इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो, हाय, गुड इवनिंग, इज दैट मिस्टर जे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स नॉट जे, इट्स जे। ओ, मिस्टर जे, राइट? यस मिस्टर जे, आई एम कॉलिंग फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग। थैंक यू सो मच मिस्टर जे, एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट यू आर आवर कस्टमर सर। सर, मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, दो दिन पहले हमारी वेबसाइट पे ऑनलाइन शॉपिंग पे आपने इम्पोर्टेड कॉन्डम सर्च किया था। यस सो सर, आई एम सो सॉरी, उस टाइम पे कॉन्डम थे नहीं सर हमारे पास। इट्स ओके बट सर, वी आर हैप्पी कि अभी इम्पोर्टेड कॉन्डम हमारे पास आ गए हैं। तो मैं यही देख रहा था अपना डेटा, आपने जो लास्ट टाइम मेरे ख्याल से दो दिन पहले अपने लॉग इन किया था सर। यस सर, नाउ वी हैव इम्पोर्टेड कॉन्डम। What should I do? I should place the order again. Sir, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें दो दिन लग जाते हैं, you know? इसमें पूरे दो दिन लग जाते हैं। It'll take some time, ना, you know, कैसे process चलता है। Sir, you remember, आपने एक महीने पहले एक टी-शर्ट भी लिया था flipkart.com से? Yes. तो आपने उसमें अपना एड्रेस डाल दिया था, you remember? Yes. मुझे लगा आप अगर दोबारा करोगे तो यहाँ पे टाइम लगेगा। सर, मैंने एड्रेस निकलवा के यहाँ से प्लेस कर दिया ऑर्डर, यहाँ से डिस्पैच कर दिया है। भेज दिया सर। तुमने मेरे से पूछे बिना भेज कैसे दिया? आप ले रहे, आप अभी तो प्लेस कर रहे थे सर। प्लेस कर रहा था, मैंने किया थोड़ी ना। अब कहाँ पहुँचा है वो, कहाँ है लड़का? सर, आई डोंट नो व्हाई आर यू वरीड, मतलब आपको कॉन्डम। अबे नंबर बताना, वेट क्या कर रहा है, वो पहुँच जाएगा इतनी देर में। सर, यहाँ से हमने डिस्पैच कर दिए कुरियर वाले के पास, मेरे ख्याल से 2 घंटे में आप कॉन्डम भेजे क्यों है? किसने बोला था कॉन्डम भेजने के लिए? सर, वो अभी निकल गया, मैं तो नंबर दे। किसका नंबर? मेरे बाप का, उस बंदे का नंबर दे मेरे को। सर, यू डोंट वरी सर, मुझे पता नहीं था। एक सेकंड सर, ट्रैकिंग ऑर्डर में निकालता हूँ, देखता हूँ कौन सा कुरियर का बंदा लेके गया है। अबे जल्दी देखना। एक सेकंड सर, ट्रैकिंग ऑर्डर, 2 पैकेट्स कॉन्डम, विक्रांत। अबे यही होगा, जल्दी नंबर दे यार तू, जल्दी देना। सर, ये बॉस है हमारे। अबे ये मिल गया सर, सुमित मिल गया। बता, ये बता, बता, जल्दी बता। 98 4। सर, थैंक यू सो मच, आपकी शाम मंगल में। मेरे को फोन कर रहे थे, थैंक यू तेरी। हेलो हेलो, यस सुमित बोल रहा है? बोल रहा है। अरे भाई, तेरे पास वो इम्पोर्टेड कॉन्डम और टी शर्ट होगी यार, वो अभी डिलीवर नहीं करने, तू कहाँ पहुँचा है? 5 मिनट में पहुँच जाऊंगा सर। नहीं, अबे रुक, अबे रुक, अबे नहीं पहुँचना, 5 मिनट में नहीं पहुँचना। सर, 2 मिनट में कैसे पहुँच जाऊंगा सर? 2 मिनट, अबे पहुँचना ही नहीं है साले। सर, एक सेकंड रुकिए, आपका एड्रेस भाई सर, पूछ बे, नहीं पूछना, आगे से निकाल लेता। अबे चुप कर, मत बताओ उसका एड्रेस। अबे ये बहन, सुमित सुन तो ले। हाँ जी सर। अबे बहन, मत पूछ एड्रेस, तेरे को बोला तो है, नहीं जा रहा। सर क्यों, आपको ये नहीं चाहिए क्या? अबे शादी शुदा नहीं हूँ मैं बहन, जबरदस्ती कॉन्डम लेके मेरे घर में घुसेगा? E87 कहाँ पड़ेगा? अबे बहन मत पूछ। सर, मैं अभी ये बता रहे हैं, अगले चौराहे पे, अगले। रुक रुक रुक, सुन, हाँ सुन, मेरे को ये बता, तू पहुंचा कहाँ है? सर, ये पीला मकान है, अभी जहाँ पे मैं हूँ ना, पीला मकान है, डबल स्टोरी। यही है, इसी में दे दे, इसी में दे दे। यही है पीला वाला डबल स्टोरी? हाँ, पीला वाला वही। मेन गेट लगा हुआ है काला? हाँ, वही। इसमें दे दू ना? हाँ, इसी में दे दे। सर, इसमें किसको हैंड ओवर करूँ? अबे जो आएगा घंटी दबाना, तू मैं आएगा उसको दे दे। सर, मैं अंदर नहीं जा रहा, इसमें कुत्ता है अंदर। अबे कुत्ते की मार। सर, अंदर बहुत खतरनाक कुत्ता है यार इसमें। सुमित हमारा अपना कुत्ता है, पाला हुआ, काटेगा नहीं तेरे को। सर, मेरे को डर लग रहा है सर। अच्छा, ये तू एक काम कर, मेरी आवाज पहचाने, तू मेरे को स्पीकर फोन पे डाल, मैं कुत्ते को संभाल। एक सेकंड सर, स्पीकर फोन पे हो आप? बुझो सिख, बुझो, बैठ रहा है हल्के बैठ रहा है। तू जा। सर, ये फिर खड़ा हो रहा है। बुझो सिख। सर, मैं जा रहा हूँ, अभी बैठ रहा है सर। एक सेकंड सर, ये बूजो फिर खड़ा हो रहा है सर। बूजो बहन, चुप हो जा यार, बैठ जा बहन, दे 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 उसको। हेलो, योर ओटीपी फॉर ₹2,500 ट्रांजेक्शन इज 44198। 44198 थैंक यू सो मच। 2500 का कह रहा है, 2500। हेलो, योर ओटीपी फॉर ₹5,500 ट्रांजेक्शन इज 44992 ओटीपी बता रहे हैं, वही देखना यार क्या है। हेलो, योर ओटीपी फॉर रुपीज 10,000 ट्रांजेक्शन इज
हेलो, योर ओटीपी फॉर रुपीज 15,000 ट्रांजेक्शन 529 हेलो हेलो डोंट शेयर योर ओटीपी विद एनीवन डोंट शेयर योर ओटीपी विद एनीवन भाई तू देख लेना हेल्प कर दे मेरी यार क्या हो गया ये मैं कहां से कट हेलो हेलो योर ओटीपी फॉर रुपीज 20,000 ट्रांजैक्शन इज 7791 फोन कर रहा है हेलो 7000 हेलो भाई ओए फोन वाले अबे भाई मैं नहीं कर रहा ट्रांजैक्शन सुन रहा है क्या कोई डू नॉट शेयर योर ओटीपी विद एनीवन ट्रांजेक्शन मुझे बता दो सही सारे पैसे उड़ा दिए सारे मेरे बैंक के जो भी रखे होते हैं यार हेलो अरे कौन सुन रहा है भाई मेरी बात थैंक यू सो मच हेलो योर ओटीपी फॉर रुपीज 65,000 Your OTP for 1,55,000 rupees transaction is hello? 73759. 73759. Hello? Hey, hello? Hello? Please do not share your OTP hello? With anyone. Hello? Please. Don't let me have a bank say, hey, Rupa Katana. Please do not share your OTP with anyone. Hello? Hello? A ball give me a bank. Hello? Your OTP is no. OTP नहीं आपके लिए तो मैसेज है लिस्ट मुर्गे मैं सिर्फ एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ प्लीज डू नॉट शेयर योर ओटीपी विद एनीवन मैं इनको फोन कर दूँ मजाक कर रहा था यार इसकी हालत खराब है हेलो हेलो हाँ जी हाय गुड इवनिंग रचिता मैम हाँ जी हाय मैम मैं सुरेश बात कर रहा हूँ मैं आप ही की कंपनी में हूँ आई रियली डोंट नो आपने मुझे पहचाना या नहीं मैं एक्चुअली फाइनेंस टीम से बात कर रहा हूँ आई अंडरस्टैंड क्योंकि ऐसे हज़ारों एम्प्लॉयज़ है तो आपको सबका नाम तो नहीं याद होगा ऐसे बट थोड़ा इम्पॉर्टेंट था इसीलिए मैंने आपको सीधे कॉल कर लिया हाँ जी आप बोलिए सो मैम अभी सैलरी आई है तो उसी के रिगार्डिंग मुझे बात करनी थी अभी जो दिसंबर की सैलरी आई है आपको उसकी बात हाँ जी हाँ जी उसी की बात करनी है मैम उसी की बात करनी है तो वो तो सबको मिल गई थी टाइम पे हाँ टाइम पे तो आ गई थी पर एक्चुअली मुझे आपसे सैलरी नेगोशिएशन के बारे में बात करनी थी अपनी सैलरी नेगोशिएशन हाँ जी मैम एक्चुअली मैं आपसे तो क्या ही छुपाऊं क्योंकि एचआर और एक एम्प्लॉय में हमेशा एक क्लोज बॉन्ड होना चाहिए मैम मुझे मेरे बच्चे के लिए सैलरी नेगोशिएशन की बात करनी है नहीं आई अंडरस्टैंड कि आप सैलरी नेगोशिएशन के बारे में बात करना चाहते हैं बट नाउ इज नॉट द राइट नहीं नहीं मैम मुझे पता है मैं आपको सच बताऊं मैं ना 2 साल से सोच रहा हूं कि सैलरी नेगोशिएशन की बात आपसे करूं किसी तरह पर हमेशा कुछ ना कुछ काम आ जाता था पर इस बार ना मुझसे रहा ही नहीं गया और फिर मैं वही अपने बच्चे के बारे में सोच के मुझे लगा कि आपसे बात करनी ही पड़ेगी क्योंकि धीरे धीरे ना ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए तो प्लीज़ मैम सैलरी नेगोशिएशन अभी कर लीजिए ना मेरे साथ फ़ोन पे ही अरे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं दिसंबर में हम सैलरी नेगोशिएशन की बात नहीं कर सकते अप्रैल में हम क्रिसमस सीजन के टाइम में बात कर देंगे नहीं नहीं मैम लेकिन आपको सैलरी नेगोशिएशन करना पड़ेगा आपको मेरी सैलरी कम करनी पड़ेगी मैम ऐसे नहीं कम करनी पड़ेगी आपको मेरी सैलरी कम करनी पड़ेगी ये मैं आपकी बात समझी एक्चुअली मैम हो ये रहा है कि क्योंकि मैं आपसे वही बोल रहा था ना मुझे अपने बच्चे के लिए सैलरी नेगोशिएशन करना है आप मुझे इतनी ज्यादा सैलरी दे रहे हो मेरा बच्चा तो बिगड़ जाएगा ना आपको मालूम ही है अमीर बाप की बिगड़ी औलाद बनेगा फिर वो नशे करेगा रैश ड्राइविंग करेगा कौन जिम्मेदार है ये आप क्या बोल रहे हैं आपको मैम मैं खाली अपने दिल की बात बता रहा हूँ ना आप लोग सैलरी तो दे देते हो फिर आप ये तो सोचते नहीं हो कि साथ में इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है कैसे करनी है वो तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है ना इतने पैसे संभालने की आदत तो है नहीं हमें
अब कल मुझे मैम फोन आ गया उसी बैंक से, वो कह रहे हैं आपका अकाउंट हम नहीं संभालेंगे, इतने पैसों की आदत नहीं है उनको। हेलो मैम, आप सुन रही है ना? हाँ सो मैम, आप मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मुझे गोल्ड से एलर्जी है और पहनना पड़ता है, सैलरी आपने इतनी दे रखी है, पूरे हाथ सूज जाते हैं मेरे, मोटे हो जाते हैं, काफी लोगों को लग रहा होता है मुझे कोई बीमारी है, फिर उनको बताना पड़ता है ये सोना पहन रखा है ना, एलर्जी है उसकी, पर कंपनी पैसे इतने दे रही है, कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ती है मुझे, आपको आइडिया भी है इसका, अलमारी जैसे ही खोलता हूं ना 10,000 कपड़े मेरे ऊपर गिर जाते हैं, कौन सा कपड़ा पहन के ऑफिस आना है कौन सा नहीं आना है डिसाइड करने के लिए कोई तो हेल्प करे ना, मेरे से नहीं हो रहा मैम, आप मेरी सैलरी कम करो। हम फिर अप्रैल में ही बात। नहीं मैम, अप्रैल तक वेट नहीं कर सकता मैं, अभी थक गया हूं मैं, फिजिकली भी थक गया हूं, इतने इंटरनेशनल ट्रिप्स मारने पड़ते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी मैंने देख लिया, लंडन ब्रिज मैंने देख लिया है, आईफिल टावर मैं देख आया हूं, फिजिकली भी तो थकावट होती है मैम, कितना ही कोई एंजॉय कर लेगा, एक टाइम के बाद तो लग रहा होता है कि थोड़ी सी जिंदगी बोरिंग हो जाए मेरी, सड़क पे जब चल रहा होता हूं डर लग रहा होता है मैम मुझे, पैसों से भरा हुआ बैग लेके घूम रहा होता ना सारा वक्त, कोई पीछे से गोली मार के ले जाए पैसे, गाड़ी में काले शीशे लगवाए, डिक्की में दिखता ना फिर पैसे दिखते नहीं है डिक्की में भरे हुए। सर आपका लास्ट अप्रेजल कब हुआ था? 2 साल पहले हुआ था, लेकिन ये बोला गया था कि 6 महीने में हो जाएगा, फिर बोला गया था 6 महीने में हो जाएगा, फिर 6 महीने में, और अब आपने बोला ये अप्रैल में करोगे दोबारा ना? चलिए सर इस बार ही हो जाएगा, इस बार ही हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम, रेडियो मिर्ची से पंकित बोल रहा हूँ मैम, मैं आपके काफी एम्प्लॉयज के मेल आए हैं, इस बार कर देना, 2 साल से आप यही बोले जा रहे हो। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू मैम, हैव अ गुड डे। हेलो, हेलो, अनुज बोल रहे हो आप? अनुज? हाँ जी अनुज, आपके कॉलेज से बोल रहा हूँ, आप कौन से बैच के हो? मैं 2019 बैच का। 2019? हाँ जी। अच्छा अच्छा, मैं बेटा एडमिन से बोल रहा हूँ, तो ये थोड़े से मुझे कुछ आपको कॉलेज के रूल्स के बारे में बताना है, यू नो, और थोड़ा सा प्रोटोकॉल के बारे में बताना है, तो कहाँ रहते हो आप? केशवपुरम। अनुज, मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को फ़ोन कर रहा हूँ, मैं कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूँ, ताकि स्टूडेंट को बाद में प्रॉब्लम ना हो, एडमिन को प्रॉब्लम ना हो, कॉलेज को प्रॉब्लम ना हो, प्रिंसिपल तक कोई शिकायत ना जाए, तो ये 2-3 बातें हैं जो आप ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैंटीन जाके अगर चाय पीते हैं, मैगी खाते हैं या कोई खाने का सामान लेते हैं, फिनिश योर फूड, फिनिश योर टी, उसके बाद कप आप खुद उठाओ, उसके बाद डस्टबिन में डालो, राइट? ओके सर। अगला मैं आपको यह भी बताना चाह रहा हूं, ऑडिटोरियम में अगर कोई फंक्शन होता है, ऑडिटोरियम में कोई फंक्शन होता है, कोई हूटिंग नहीं होगी, अगर कोई स्टेज पे बोल रहा है, कोई स्टेज पे बोल रहा है, चीफ गेस्ट आया हुआ है, प्रिंसिपल कुछ बता रहे हैं, बीच में नहीं टोकना, हूटिंग नहीं करनी, शोर नहीं मचाना, और अपनी सीट पे बैठना है आपको। ओके सर। एंड वन लास्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट अनुज, ये मैं सबको बता रहा हूं और सबको कॉल करूंगा मैं, बिना हमारी परमिशन, बिना प्रिंसिपल की परमिशन कोई फेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं करना है, किसी सिंगर को आपको बुक नहीं करना है जब तक हमसे परमिशन नहीं लोगे आप। इज दैट क्लियर अनुज? अरे ठीक है यार, 2 साल हो गए हैं, कॉलेज की शक्ल देखी नहीं है, घर वाले वैसे ही परेशान करते हैं, तुम कॉलेज बुलाते नहीं, हद हो गई है। मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन होना नहीं चाहिए ये सब, कॉलेज की कैंटीन गंदी नहीं होगी, नहीं बुलाना बुलाना कोई बात की बात है, कैंटीन गंदी नहीं होगी, बात की बात है तो बात बताना जरूरी है। ऑर्गेनाइज नहीं करोगे आप कोई भी फेस्ट बिना परमिशन के हमारे? अरे क्या यार साला बोले जा रहे हो, तब से रूल तोड़ने के लिए कॉलेज आना पड़ेगा ना, 12वीं से यहाँ पे तो रूल तोड़ोगे नहीं, रूल तोड़ोगे नहीं, बिल्कुल समझ गए आप, कोई रूल नहीं तोड़ोगे, घर पे बैठे नहीं तो नहीं, हाँ नहीं रूल नहीं तोड़ोगे आप, रूल बिल्कुल नहीं तोड़ोगे, कोई रूल नहीं तोड़ा जाएगा, कॉलेज नहीं आएंगे, ये नहीं देख सकता मैं, चौक उठा के मार रहे हो, घर वाले वैसे बोलते रहते हैं, कोई रूल नहीं तोड़ेगा, कोई नहीं क्या है, नहीं मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, रूल बनाए जा रहे हैं तब से कॉलेज पे, नहीं लैब में, लैब में आप लैब में इस तरह की हरकत नहीं करोगे, लैब है कहाँ साली, मैंने तो देखी नहीं है, कहाँ ये कब बनी हो? ऑडिटोरियम में चुप बैठना है, बिल्कुल
समझ गए आप? अरे मैं घर में चुप बैठा हूँ तब से यार, दो साल से तुम बुलाओ तो सही कॉलेज। अरे तो ये मैं नहीं जानता, ये रूल्स आपको फॉलो कर रहे हैं। घर पे मर जाऊंगा मैं, कॉलेज खुलेगा नहीं तब से, दिमाग खराब हो नहीं, गया कॉलेज का। मुझे पता नहीं कॉलेज खुलेगा नहीं खुलेगा, मुझे कॉलेज का कुछ नहीं पता। कॉलेज का रूल नहीं टूटना चाहिए, कॉलेज का रूल नहीं टूटना चाहिए। मैंने बात नहीं करा आपसे, आप कॉलेज आइए, कॉलेज में बात करनी है, कॉलेज तो आ नहीं सकते आप, कॉलेज आगे नहीं, मैं घर पे, मैं भी कैसे घर आऊंगा, मैं खुद नहीं आ सकता आपके घर, आप कॉलेज जा सकते हो क्या रहा है? मैं खुद परेशान हूँ यार, इन बच्चों के एडमिशन हो गए, दो साल से पैसे दे रहा, कॉलेज की शक्ल लेगी ऊपर वाले, इनके फ्यूचर के लिए कुछ कर ले, मैं आपसे बाद में बात करूंगा भाई। अरे यार ये कब जाएंगे कॉलेज, दो साल हो गए घर में पड़े पड़े, फीस दिए जा रहे हैं, लेकिन कॉलेज का कोई भी रूल नहीं तोड़ना है। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर करिए और टैग कर दीजिए उन लोगों को जिनको लगता है कि कॉलेज का रूल तोड़ देंगे, जो चाह नहीं रहे। बाय। हेलो हेलो मनु, कौन? मनु भाई मैं हनी बोल रहा हूँ यार, तेरा नंबर लिया है मैंने सौरभ भैया से। अच्छा अच्छा बता, कहाँ पे हो आप अभी? मैं तो बैठा हूँ यहीं पे अड्डे पे बैठा तू। यार भाई कल हो गया, कांड हो गया। किसके साथ? ये पीछे सोसाइटी के लड़के नहीं है जिनसे पता नहीं तेरे को बताया था सौरभ भैया ने? नहीं तो मैं वहाँ पे अपनी बाइक चला रहा था, तो एक मेरे, हालांकि मेरी इंटेंशन नहीं थी, ये कह रहा है यहाँ पे क्यों चला रहा है बाइक। मैंने कहा भाई मैं कौन से कोई छेड़छाड़ कर रहा हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ सिर्फ। तो वो ऐठने लगे, बहुत ज़्यादा ऐठने लगे। तो मैंने कहा यार ऐसे ऐठ क्यों रहे हो आप, आपके मोहल्ले में मैं आया हूँ, ये बात थोड़ी है कि मैं यहाँ पे बाइक नहीं चला सकता। तो मेरे से ऐसे कह रहे हैं, देख ऐसे कह रहे हैं, यहाँ से निकल ले हवा बना देंगे तेरी, मतलब खामा खा ना, खामा खा पड़ी ले रहे हैं मेरे से। मैंने एक दफा भी ये नहीं कहा। तो मेरा नाम बताया था ना? नहीं मैंने पता क्या कहा शुरू में, मैंने क्या कहा, मैं शुरू में ना मैं बाइक तेज भी नहीं चला रहा था, मेरा ऐसे भी नहीं है कि मैं रैश ड्राइव कर रहा हूँ, आगे खड़े हो गए, तेरा हवा बना देंगे, यहाँ से कबूतर बना देंगे, यहाँ से निकल ले। और मैं कह रहा हूँ हेलो, सी ब्लॉक वाले थे क्या? हाँ सी ब्लॉक वाले की बहुत सुन रहा हूँ आजकल मैं। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना भाई, मैं बता दूँ ना मैंने क्या कहा। मैंने कहा भाई साहब एक बात सुनो, आप ना इस वक्त 11 हो, 11 12 थे मेरे ख्याल से, तो मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, तो मैं कुछ कह भी नहीं पाया। फिर मेरे से कह रहे हैं मैं चाबी निकाल ली बाइक की, मैंने जरा से हाथ पकड़ा, मेरा हाथ ऐसे कर रहा है, कह रहा है चाबी कैसे तू मना कर रहा है लेने के लिए। मैं वही बता रहा हूँ ना। अच्छा इतना भी वो नहीं है, आप देख रहे हो जब बंदा अकेला है भाई, एक बात कर लो, 12 के 12 चढ़ के आ रहे हैं ये लंबे चढ़े। भाई इनका भगवान ना इनके साथ खड़ा है, इनका मुकाबला नहीं हुआ मेरे साथ, मैं आ जाऊंगा इनके सामने, साले मुंह नहीं है पैंट के अंदर ही नहीं उसमें। फिर ये है भाई, चलो आदमी गलती हो तो आदमी सुन भी ले, मेरी कोई गलती भी नहीं थी, इतनी सी गलती नहीं थी। हमारा ब्लॉक है, आप भी हमारे ब्लॉक में रहते हो, उनका अलग ब्लॉक है, तो ऐसा थोड़ी है उनके ब्लॉक से कोई आएगा तो हम मना करेंगे। रोड पे चला रहे हैं के बाप की रोड है वही, तो किसी, मैंने भी यही कहा, मैंने कहा आपके बाप की रोड थोड़ी है, तो मेरे से कह रहा है 2 मिनट में तेरे को बता दूंगा तेरा बाप कौन है। मेरे साथ दिक्कत है ना, मेरे पापा बाहर नहीं निकलने देते, मेरा बाप मुझे बाहर निकलने देना, सालों के घुटने उनके हाथों में देके घर में भेजू इनके, मैं पता है ना मेरे बाप को, बाहर निकलूंगा तबाही मचा दूंगा। नाम से दबते हैं मेरे ये लोग। मैं ये देख रहा हूँ यार, मैं आराम से बात कर रहा हूँ यार, इतने लंबे चौड़े 12 के 12 आके। अरे तूने भी बरकत कर दी ना, तू बोल देता मेरा नाम ले देता तू बस। मैंने तेरा ही लिया नाम, बल्कि एड्रेस भी दे दिया पूरा। मैंने कहा अगर हिम्मत है ना तो एक दफा आ जा फिर तेरे को बताएंगे हमारे आदमी। मेरा एड्रेस दिया? हाँ तेरा दिया मैंने। मैंने कहा अगर हिम्मत है ना, अगर हिम्मत है तो, अकेला बंदा है ये हमारा टाइगर, अकेला बंदा है, कुछ उखाड़ लो इसका, उखाड़ सको तो। सी ब्लॉक वालों को दिया क्या? सी ब्लॉक वालों को। और मेरा एड्रेस तो दे दिया तूने, ऐड रहे थे ना मेरे से ऐड रहे अकेला समझ के वो। साले ये बोलने की बात होती है, नाम बताना तू, एड्रेस क्यों दे रहा है? घर पे आ जाएंगे वो। तो मैंने नहीं देखा। मैंने कहा बंदा अपना टाइगर है, मैं दो एड्रेस, तेरा एड्रेस दे दिया। तब एड्रेस देने की लोड़ थी कि एक सेकंड नाम लेते सिर्फ नहीं एड्रेस लेते। फोन आ रहा है, उसी का फोन आ रहा है, एक सेकंड। हेलो, मेरा नाम मत लियो इसमें। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ यार। भाई साहब आप बार बार फोन कर रहे हो, सुधरोगे नहीं क्या, क्यों परेशान कर रहे हो मेरे को? पहुंचो ना, जो एड्रेस दिया मैंने उस पे पहुंचो ना आप। ओ नहीं हो, नहीं पहुंचो, बोलते ना, नहीं डरते, कोई नहीं डरता आपसे। पहुंचो, जो काट सकते हो काट। मत बोल साले मत कर। 12 आ रहे हो, 12 नहीं तुम 25 पहुंच जाओ। टाइगर अकेला है, मेरे घर पे कोई नहीं है, बेकार की बात मत कर, पागल मत कर, मत बे साले, मार देंगे मेरे को। कैसे मार देंगे? अरे साले मारेंगे तेरे को, मैं पिछले हफ्ते लड़ा था साले, मेरा घुटना तोड़ा इन्होंने, अभी निकले हैं ये लोग, अभी निकले हैं, पहुंच रहे हैं, वो कह रहे हैं दादा बन रहे हैं। सुनिए, और चाबी लेके आ, चलना जरा।
मैं भाई सर से मैं करता हूँ जरा बात यार, मैंने जाना है कहीं, उनको मना कर दिया मेरे घर आने से। ठीक है।